हृदय गति रुकने से नालपुर के सीआरपीएफ जवान का निधन, सैनिक सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। खेतड़ी उपखंड के नालपुर गांव में हवलदार विजय सिंह के शव का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हवलदार विजय सिंह की रविवार शाम करीब 3:30 बजे अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। विजय सिंह का शव पैतृक गांव नालपुर में पहुंचा तो कोहराम मच गया। हवलदार विजय सिंह की पार्थिव देह पर उनके पुत्र दिलबाग सिंह व अरविंद ने मुखाग्नि दी। सीआरपीएफ सूरतगढ़ से आए इंस्पेक्टर राम रतन मीणा की अगुवाई में आई सीआरपीएफ की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। हाँ, हमारा जो हवलदार विजय सिंह कल आकस्मिक निधन के कारण उसका मृत्यु हो गई और उनको यहाँ पे लाया गया और सैनिक सम्मान के साथ उनको विदाई दी गई। अंतिम सलाम। सैनिक सम्मान के साथ किया नायक लोकेश सैनी का अंतिम संस्कार। खेतड़ी के नानू वाली बावड़ी के सैनिक नायक लोकेश सैनी के शव का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। रविवार को शव पैतृक गांव नानू वाली बावड़ी पहुंचा तथा हजारों की संख्या की भीड़ के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। नायक लोकेश सैनी का 18 मेक नाइस इन्फेंट्री में इसार में कार्यरत थे तथा वर्तमान में जयपुर यूनिट में कार्य कर रहे थे। सैनी का जयपुर के सेना अस्पताल में 30 अक्टूबर की रात्रि को इलाज के दौरान निधन हो गया था। शव जब नानू वाली बावड़ी पहुंचा तो घर में कोहराम मच गया। नानक सैनी का शव के साथ आए सूबेदार ए रहमान, नायब सूबेदार चंद्रभान, हवलदार बोधुराम ने बताया कि नायक सैनी मिलनसार व्यक्ति के धनी थे। नायक सैनी के पार्थिव देव पर तहसीलदार विवेक कटारिया, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गोकुल चंद सैनी, सरपंच नानू वाली बावड़ी रमेश सैनी, बलवीर सैनी, प्रभु राजोता, संजय सैनी, सुरेश राजोता, रूड़ाराम सैनी सहित दर्जनों लोगों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। लगभग 1 किमी लंबी यात्रा में ग्रामीण भारत माता की जय के उद्घोष के साथ चलते रहे। सैनिक की पार्थिव देह को जयपुर से आई सेना की बिहार रेजिमेंट की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। 5 वर्षीय पुत्र वैभव ने मुखाग्नि दी। इसको देखकर सभी की आंखें नम हो उठी। पिता को दिया तिरंगा। नायक सैनी के पार्थिव देह के साथ आए सेना के सूबेदार ने तिरंगा उनके पिता किशन लाल सैनी को सौंपा। नायक सूबेदार लोकेश सैनी जनवरी 2004 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। वर्ष 2013 में उनकी शादी हुई थी। घर में उनके पिता किशन लाल सैनी, माता गीता देवी सैनी, पत्नी राधा सैनी, पुत्री पूर्वी 7 वर्षीय व पुत्र वैभव 5 वर्षीय व भाई विजेश कुमार तथा एक बहन कविता सैनी जो शादीशुदा है। सैनी के अंतिम यात्रा में किशन लाल सैनी, तेजपाल सैनी, ताराचंद सैनी, नौरंग लाल सैनी, संदीप सैनी, प्रभुदयाल सैनी, इंद्राज प्रदीप सैनी, राजेश फौजी, नरेंद्र सैनी, दाताराम सैनी, छाजूराम अधाना, बंसीधर सैनी सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे।